डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बात कर रहे थे, चैप्टर 12 के अंदर अपने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फिनॉल के भौतिक गुणधर्म है ऊपर चुके थे। आज नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। तो फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों में क्या होता है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो फिनॉल होता है वो तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। कौन कौन से तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, इसमें पहले बात करूंगा फिनोलिक OS समूह की अभिक्रिया, दूसरी बात करेंगे बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, और तीसरी बात करेंगे सघनन अभिक्रिया। तो यहाँ पे रासायनिक गुणधर्मों में क्या होता है, इसके आधार पर फिनॉल तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर फिनॉल तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, जिसमें बात करेंगे वन नंबर पे फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया, नंबर टू पे बात करेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रिया, नंबर थर्ड पे बात करेंगे सघनन अभिक्रिया। इसके आधार पर तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया और सघनन अभिक्रिया, जिसमें फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं इसमें फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया, फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया। फिनोल जो होता है एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। फिनोल किसकी तरह व्यवहार करता है, यह दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। फिनोल जो होता है किसकी तरह व्यवहार करता है, दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जिसमें पहली टॉपिक की बात करते हैं, इसमें सब टॉपिक में अम्लीयता, अम्लीयता में क्या होता है, फिनोल है इस फिनॉल की रिएक्शन सक्रिय धातुओं के रूप में सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, इनके साथ करवाई जाएगी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से इसके डबल मोल ले लेते हैं, सक्रिय एक्टिव मेटल्स, सक्रिय धातुएं एग्जाम्पल के रूप में सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, इनके साथ करवाई जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। जब यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आएगा तो सोडियम आयन इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो बनने वाला जो यौगिक है वो क्या बन जाएगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, यहाँ पे डबल मोल आउट कौन हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। यानी कि फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, इसके साथ करवाई जाती है, क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बन जाती है, जो फिनॉल की कौन सी प्रवृत्ति दर्शाती है, अम्लीय प्रकृति। नंबर टू में इसी में बात कर रहे हैं, फिनॉल है इस फिनॉल की रिएक्शन एक्वस NaOH, यानी कैसा है, NaOH की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जलीय फिनोल की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ कराओगे तो यहाँ पे Na+OH पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ से ये H+ डोनेट कर देगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, H+OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2, और यहाँ से कौन सा आयन बन जाएगा, यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड ONA, नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, और ये क्या है आपका जल। नंबर थर्ड, फिनॉल है उस फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, ग्रिनार एजेंट के साथ करवाई जाए, तो यानी कि यहां से एल्केन का निर्माण हो जाता है, फिनॉल की रिएक्शन ग्रिनार एजेंट CH3MgBr
गिरनार जो अभिकर्म आरएमजीएक्स, आरएमजीएक्स को क्या बोलते हैं, गिरनार अभिकर्म, गिरनार अभिकर्म। अब यहां पे आर बराबर यहां पे एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है, एरिल सब। एक्स बराबर यहां पे एफ सी एल बी आर आई जुड़ सकते हैं। तो यानी आर एम जी एक्स की एल्किल और एरिल और एक्स बराबर यहां पे एफ सी एल बी आर आई हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो पोजीशन होगी वो क्या कहलाएगी, गिरनार एजेंट, जैसे सी एस थ्री एम जी बी आर। जैसे ही फिनोल की रिएक्शन आप इसके साथ यहां से बॉन्ड टूटा है, एज ए प्लस ओ पे क्या आएगा नेगेटिव, गिरनार एजेंट मेटल पे क्या लाएगा प्लस, यहां पे एल्किल पे क्या जाएगा माइनस। तो सी एस थ्री माइनस यहां पे एच प्लस बन क्या जाएगा यहां पे सी एक्स फोर, मैथेन बन जाएगा और आउट कौन हो जाएगा यहां से ओ एन जी बी आर। फिनोल के विक्रिय गिरनार अभिकर्मक के साथ करवाए जाते हैं, क्या बन जाता है मेथेन बन जाता है। देखो उपरोक्त तीनों ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में यहां से H बाहर निकला है, तो ये तीनों ही प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। तो यानी कि यही बताया रासायनिक गुणधर्मों में क्या कहा कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर फिनोल जो होते हैं वो कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देते हैं, तीन प्रकार की, कौन कौन सी, फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया, बेंजीन वलयकीय अभिक्रिया और संघनन अभिक्रिया। जिसमें पहली बात की है फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया, ये दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जिसमें पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं अम्लीयता। अम्लीयता में तीन प्रकार की रिएक्शंस यहाँ पे अपन पढ़े हैं। पहले में बात की कि फिनोल है, उस फिनोल की अभिक्रिया सक्रिय धातु, सक्रिय धातु के रूप में सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम, इसके साथ करवा दी जाए तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम फिनोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बन जाती है। फिनोल की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ करवाई जाती है तो क्या बन जाता है, सोडियम फिनोक्साइड एवं जल बन जाता है। नेक्स्ट में बात किया फिनोल की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो क्या बन जाता है, यहाँ से एल्केन यानी कि मैथेन बन जाता है। इन्हें उपरोक्त तीनों ही अभिक्रियाओं में यहाँ पे फिनोल ने कि अपने H प्लस आयन को बाहर निकाला है, तो इसने अपनी कौन सी प्रकृति को शो किया है, अम्लीय प्रकृति को शो किया है। तो यानी कि फिनोल से H प्लस आयन का निकलना ही क्या कहलाता है, अम्लीयता को दर्शाता है। तो ये है फिनोल की अम्लीय प्रकृति। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।